जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमारा प्रेम किसी वस्तु से नहीं होता है। भाई ट्रेन में यात्रा करते हैं, आमने सामने सीट पे लोग बैठे हों तो एक दूसरे से लोग नहीं बोलते, क्यों? अपरिचित हैं। कोई कुछ खाने पीने को दे तो लोग लेते भी नहीं हैं, क्योंकि ट्रेनों में लिखा रहता है कि अपरिचित व्यक्तियों का दिया हुआ भोजन ना करें। कोई लेना देना नहीं, यात्रा चल रही है, लेकिन कोई व्यक्ति बीच में आया जो दोनों को जानता है और उसने परिचय करा दिया। तो अभी तक सामने सीट पर बैठने वाला व्यक्ति हमारे लिए अनजान था, लेकिन किसी ने मध्यस्थता कराकर बीच में दोनों का परिचय करा दिया। तो हम चाय पीते हैं तो सामने वाले को भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि हम दोनों अनजान को जान करने वाला, बताने वाला मध्य का कोई व्यक्ति मिल गया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग उनकी स्थिति है, अलग अलग यात्री हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए वो मध्यस्थता का काम करने वाला है। भागवत महापुराण ने उस तत्व को, परमात्मा तत्व का ज्ञान कराया हमको कि परमात्मा है कौन,